हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अभी भाई अपने पास आई है गैस वाली गाड़ी, इसका अपना पेपर खत्म हो गया है। रूल 18 के लिए ये गाड़ी आई है दिवाली से, और एकदम सही टाइम पे आई, दिवाली से पाँच छः दिन पहले ही। क्योंकि क्या होता है ना, अभी दिवाली पे दो दिन भी लेट आती, तीन दिन भी लेट आती ना, तो 10 दिन ये गाड़ी खड़ी रहती। बट एकदम सही टाइम पे आई, अभी दिवाली से पहले इसका काम कंप्लीट करा के इसको निकाल देंगे। पर्चिंग में क्या होता है ना, इस गाड़ी के पूरे वाल चेक होने, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी, पूरे टैंक की थिकनेस, हर एक चीज़ वो लोग चेक करते हैं। घोड़ा पूरा चेक करते हैं कि घोड़ा अपना कैसा है, एकदम ठीक है, कि पेपर कंप्लीट है, और वाल वोल मेन काम जो होता है ना, वो टैंक का काम होता है। पर्चिंग में सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता है, जो नीचे वाले ये वाल है ना, ये नीचे वाल आते हैं जहाँ से खाली और गाड़ी लोड करते हैं। ऊपर भी तीन वाल आते हैं, नीचे भी तीन वाल होते हैं, इनका मेन काम होता है। क्योंकि अगर ये हल्के भी लीक हों तो बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए साल में एक बार, पूरे साल का काम होता है साल में एक बार। जैसे यहाँ पे ना रिलैक्स है, तो रिलैक्स में गाड़ी जाएगी। जो अपने विशाल भाई है ना, जहाँ पे सुरक्षा होता है वहाँ पे ये गाड़ी जाएगी। वो लोग क्या है, पूरा टैंक को साफ़ करेंगे, धुलाई करेंगे, अंदर से क्लीन करके साफ़ करके फिर इसके ये वाल खोलेंगे। वाल खोल के इसके रिपेयर करेंगे, लीकेज चेक करेंगे। अगर लीक रहेंगे तो सीधे नए वाल डाल देंगे, या फिर कोई छोटा मोटा कोई वाल का रिपेयर होता है तो वो होता है। बाकी अगर वो ख़राब होता है तो सीधा नया ही डालते हैं, रिपेयर करते ही नहीं है। तो इसलिए हर साल में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 70-75 हज़ार खर्चा आता है ये पर्चिंग का। 70-75 हज़ार अपना खर्चा आता है सिर्फ पर्चिंग का। और इसको अपने को गाड़ी को करवाना पड़ेगा कलर, क्योंकि इतना कलर अपना ख़राब हो गया है। वाह, आगे वाला सेल भी ख़राब हो गया और ये भी ख़राब हो गया, ये पीछे वाला एकदम सही है, खाली उतना कलर उतर गया अपनी गाड़ी का। पता नहीं ये कभी कभी समझ में नहीं आई, पीछे एकदम सही है, आगे पूरा उतर गया। बट अपने को क्या है, अगर इसको कलर करवाया तो पूरा ही करवाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, आगे वाला अगर नया लगेगा पीछे वाला पुराना लगेगा। तो इरादा यही है कि एक हाथ पूरा ही करवा देंगे कलर, तो देखने की ज़रूरत नहीं, साल दो साल छुट्टी हो जाएगी, दो तीन साल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इस गाड़ी को भेज देते हैं रिलैक्स में, पेपर वेपर चेक कर लिए, पेपर इसके कंप्लीट हैं, बस खाली दो तीन पेपर नहीं है। वो आज संडे है तो राकेश को बोला है फ़ोन करके, वो बोला कल भेज देंगे पेपर। बाकी विशाल भाई फ़ोन नहीं उठा रहे, उनको फ़ोन किया था 3-4 बार तो फ़ोन नहीं उठा रहे। गाड़ी भेज देते हैं, वहीं पे जाके खड़ी रहेगी, नहीं तो काम चालू करेंगे। आज संडे है तो कल काम चालू करेंगे। फायर बाटले सही हैं इसके? हाँ, तो गाड़ी लो, रिलैक्स में लेके जा इसको। हाँ, कोई नहीं, वो टायर वायर जब गाड़ी पर्चिंग करवा के आएगी तभी देखेंगे। सेट को दिखा देना था टायर, दिखाया था, बोले बाद में डाल लेना। हाँ, तो बस जब बोला है बाद में डाल लेना तो बाद में डाल लेना। हाँ, रॉयल में, रिलैक्स में। हाँ, वही जहाँ टैंक बनता है उसको बोलना पर्चिंग के लिए साबा भाई ने गाड़ी भेजी है, वो गाड़ी ले लेगा अंदर, मैंने उसको बोल दिया है। चलो भाई, ये काम अपना ख़त्म हो गया, अभी मैंने जाना है यहाँ से महिंद्रा में। गर्मी इतनी हो रखी है ना भाई, बहुत। आज गाड़ी भी काफ़ी आई हुई है, 5-6 गाड़ी आई हुई हैं, 6-7 गाड़ी। बट कोई नहीं, सब कर करा के निकाल दिया, इसको भेज दिया रिलैक्स में। अभी जो दूसरी गाड़ी है अपनी, जो महिंद्रा में गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ जाना है। उस गाड़ी का वायरिंग वरिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, सारा ही काम हो गया है। तो जाके क्या है, उसको देखना है, एक सामान और देना है। एक सॉकेट आता है जिसे ऑयल प्रेशर का सॉकेट कहते हैं, वो अपने पास पड़ा था। महिंद्रा का तो बहुत महंगा है, तो वो ले जाके उनको दे के आना है। बाकी उन्होंने काम करके कंप्लीट कर दी गाड़ी, सारी एकदम फाइनल कर दी। तो अभी चल के उसका ट्रायल भी मार लेते हैं, चला के देख भी लेते हैं, और उसको निकाल देते हैं लोडिंग के लिए। और वो गाड़ी को एक चक्कर भर के बड़ौदा की ही मंगाना है, मतलब अहमदाबाद की भरेंगे, और बड़ौदा गाड़ी आएगी। बड़ौदा से फिर मनसुख भाई और मैं और उनका एक आदमी लैपटॉप वाला, तीन आदमी हम बैठ के जाएंगे गाड़ी के साथ यहाँ से अहमदाबाद। अगर गाड़ी हमारे चलाने में एकदम परफेक्ट हो गई तो भाई डब्बा बांध लेंगे, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर अहमदाबाद है, डब्बा बांध के गाड़ी लेके जाएंगे। देखेंगे कितना डीजल खाती है, डाउन मारना पड़ता है कि, क्योंकि भाई अपनी खर्चा कर दिया हमने, अभी मानो 30 हज़ार खर्चा हो गया वो गाड़ी के ऊपर। 25 की वायरिंग, 10 का क्लस्टर मीटर, 35-45 हज़ार खर्चा हो गया वो गाड़ी पर। अब गाड़ी अपनी एकदम सही हो जानी चाहिए मिस्त्री साहब से। ये मिस्त्री हमारा दुखी हो गया, छड़ी चढ़ा तेरे पे, छड़ी इस पे चढ़ा है, छड़ी
सनी नहीं चढ़ा है, वो एक लड़का रख लिया था ना, वो उसने मारा मेरा पूरा एकदम सिस्टम बिगाड़ कर। तो तेरे को क्या जरूरत थी उसके साथ काम करवाने की? अरे यार, इसने क्या किया भाई, लेलैंड BS4 गाड़ी थी अपनी, 16 टायर पुराना मॉडल था BS4 का, उसका क्राउन पिनियन इसने बनाया, खोल के लेके आया। कहाँ से? हजीरा से खोल के लेके आया, बनाया पूरा, बनाया जाके फिट किया, गाड़ी का ट्रायल मारा, गाड़ी चली एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं पड़ी। तो दोबारा कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद उसका क्राउन पिनियन क्या हुआ था? तब बॉल डीले छोड़ दिए, वो क्राउन पिनियन के बॉल डीले छोड़ दिए, आयल गिर गया, वो क्राउन पिनियन सीज हो गया, बैरिंग वैरिंग सब टूट गया। तो उसमें फिर दोबारा उसका क्या किया, क्राउन पिनियन का गुच्छा कबाड़ी में से लेके अंकलेश्वर से नया डाल दिया, मतलब पूरा गुच्छा ही चेंज कर दिया, क्योंकि उसमें बचा ही कुछ नहीं था। तो उसमें से फिर उसकी आयल सील लीक हो गई। चलो वो गुच्छा डाला था, क्या होता है कबाड़ी में से सामान लेते हैं ना, तो ये दिक्कत आती आती है, कभी कभी उसकी आयल सील थोड़ी बहुत लीक होगी। तो फिट किया, ट्रायल मारा तो सही था, यहाँ पे गाड़ी आई तो आयल सील लीक निकली, वो आयल सील तो चेंज करनी पड़ती, बट इसके ऊपर चढ़ा हुआ शनि महादेव। दिवाली आई है और इसके ऊपर चढ़ गया शनि, 1-7-3-3-4-4 काम इसके गाड़ी में करे हुए फोल्ड में आ गए। तो अभी बंदा हमारा थोड़ा परेशान है, कोई बात नहीं, बतार चढ़ाओ, चलता रहता है, क्या बात है। जैसे गाड़ी कभी कभी नुकसान देती है, वैसे मिस्त्री को भी तो नुकसान पड़ना चाहिए। अगर मिस्त्री हर जगह सक्सेस हो जाए तो फिर उससे बड़ा मैकेनिक कौन है। अभी क्या किया बंदे का अपने का, उसका निकाल दिया। वो वैसे भी वो हब ग्रीसिंग करता था, जैसे वो हब ग्रीसिंग करता था, मेरे को लगा 5606 में भी आई थी प्रॉब्लम। नहीं 5606 में नहीं, लेकिन तो डर है अभी भी, जितना उसने काम किया है ना, जितनी गाड़ियों का, सब गाड़ियों का डर है, मेरे को मालूम है दोबारा वो सब प्रॉब्लम आने वाली। अच्छा। अभी भी तकलीफ है। हाँ। अभी मतलब सिर पे तलवार टक ही, इदे मैनिफोल ही डिग पया थले। अच्छा हां ले भाई, पाऊ बोलते मैनिफोल। हां मैनिफोल उन्ने टैड कीता है, रखा भी तो तूने फिर कहां से मिला था तुझे? वो समीर के पास में साला था। तो समीर एक बात बता, समीर तो खुद मिस्त्री नहीं, 3 महीने का पगार समीर ने उसको नहीं दिया, मेरे पास आया पूरा राशन भरवा के दिया, महीने का 4000 रुपए का राशन दिया, 8000 रुपए पगार दिया। अरे तो समीर खुद मिस्त्री नहीं है, समीर मिस्त्री है, छोटे मोटे काम के ना उसको मैं 100-200 रुपए ऐसे ही दे देता। मैं तेरे से क्या पूछा, समीर मिस्त्री है? जब समीर खुद मिस्त्री नहीं है तो वो बंदा हेल्पर वाला रखेगा, इतना तो दिमाग से सोचना चाहिए। क्या बोलूं, उस टाइम तो मेरे पास कोई नहीं था, इसके लिए मैंने रख लिया था, मजबूरी थी थोड़ी। अभी मजबूरी का तेल भर, उस टाइम पे एक गाड़ी का कम काम करता, सुकून से तो रहता। वो कहते थे ना, उसने तो कुएं में छाल मारी, इसको साथ लेके मारी। इसको मतलब क्या किया, कुएं में बंदा छाल मारता है ना, तो इसको रस्सी बांध के ऊपर टांग दिया पिलर पे, के ना तो ये अंदर जाने लायक, ना ये बाहर निकलने लायक। चलो भाई, ऑफिस का काम तो अपना खत्म हो गया। ये टायर आए जेके के नए, ये मतलब बाद में रख लेंगे अंदर, शाम को आएंगे ना फिर रखेंगे सारे जेके के, वो सादे, ये JOG 5 सब 1120 के टायर हैं। ये जो घोड़ा है ना अपना, एक टाटा का खरीदा है, Phase 2 एक घोड़ा खरीदा है टाटा का, ये टायर लगाने उसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं, 1020 का जो टायर आता है ना गाड़ी के साथ, वो देते हैं निकालने के बाद उसमें डालते हैं 1120। अभी जो टायर हम लोग पीछे डाल रहे हैं 1120 में ना, वो डाल रहे हैं अपोलो LDR, मस्त टायर है ये, एक नंबर। और आगे डाल रहे हैं JK का JUG 5, मतलब आगे में अगर मानो, मैं हकीकत में बात बताऊँ, आगे में अगर कोई भी आदमी कोई भी टायर यूज़ करता है तो भाई JK का यूज़ करो, सच्ची JK के टायर जैसा टायर नहीं कोई, हकीकत। आगे में, फ्रंट में, कहीं भी आप JK का टायर यूज, कोई रेडियल टायर यूज करता है ना, कोई भी बंदा रेडियल, तो JK का यूज करना, हमारी रेफरेंस से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि JK का टायर ना मैं आगे में बहुत बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा चलता है, पीछे में भी अच्छा चलता है, अपनी गाड़ियों में बहुतों में चल रहे हैं JD+, बट अभी हम लोग क्या है, पीछे डाल रहे हैं अपोलो का LDR 1120 और JK का डाल रहे हैं 1120। अभी हमने जो नया वाला घोड़ा खरीदा है ना उसमें डालेंगे। गाड़ी का अपनी का छोटा मोटा काम था, अभी इलेक्ट्रिशियन इसका काम कर रहा है,
छोटा मोटा ही काम है, ज्यादा काम नहीं है इसका। मतलब बल्ब बल्ब जल गए थे, आर्किंग पार्किंग इसकी बंद हो गई थी, ये भी संडे के दिन ही आके खड़ा हो गया, तो बस वही छोटा मोटा काम था वो कर देंगे। और एक अपनी ये वाली गाड़ी एक्सीडेंट हो गई भाई, पूछो मत, इसका कल दिखाएंगे, कल टाइम मिला तो कल दिखाएंगे। पूरी एक्सीडेंट हो गई, आगे का पीलर वीलर सब टूट गया, नीचे का आगे का भी मार दिया, ये बम्फर वम्फर सब तोड़ दिया, नीचे का हिस्सा धड़ी यहाँ से वहाँ तक पूरा, मतलब दबा के गाड़ी मारी, मारी किसमें, डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी लोड गाड़ी ड्राइवर ने, दारू पी के, दारू पी कर गाड़ी ठोकी ड्राइवर ने। अभी आपको इसका दिखाएंगे बाद में कितना नुकसान हुआ है। नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ, बट ज़्यादा भी नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी रहेगी। नुकसान तो लाख रुपए का नुकसान हो गया, मतलब जो गाड़ी ने दो तीन चक्कर मारने थे, एक पैसा कमाना था, वो सब घुसा दिया, दारू पी के गाड़ी ठोकी ड्राइवर ने। बताओ, अभी हमने जो टायर डालने हैं ना, वो डालने हैं इस गाड़ी के अंदर 1120 के, ये इसके अंदर सीएट के आए हैं X3D, ये निकाल देंगे, 295 आया है, ये निकाल के इसमें 1120 के डालेंगे टायर, और आगे भी 1120 और पीछे भी 1120। ये गाड़ी है BS6 5530, ये अपने पास दूसरा घोड़ा है, इसके पहले एक घोड़ा था, वो पहले चल रहा है, और ये दूसरा घोड़ा है। इसके अंदर क्या है, पीछे वाले टायर में हब ग्रीसिंग नहीं होती, ये जो टायर है ना अपना, इसमें हब ग्रीसिंग नहीं होती, आयल वाली हब है कंप्लीट, एकदम बढ़िया आयल कंजप्शन, और एसी कैबिन गाड़ी है। ये जो गाड़ी है ना, इसके अंदर एसी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है अंदर, पूरा परफेक्ट एकदम बढ़िया। तो इसके अंदर मेरा इरादा है रिव्यू बनाने का, क्योंकि 5530 का मैंने रिव्यू गाड़ी का अभी तक बनाया ही नहीं, ना ही मैंने चला के देखी है, कसमी बात है, मैंने अभी तक ये गाड़ी चला के भी नहीं देखी। अपने पास दो ही गाड़ी है, ये 5525 बहुत है अपने पास, ये खड़ा 5525 टाटा का, वो खड़ा ये 4625 है, बट अपने पास BS6 गाड़ी है बहुत है, बस खाली 5530 जो है ना, एक ये है और एक इससे पहले एक और खरीदा है, जो पहले ये वाली गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी 5530 5525 में, इसमें नहीं है ऐसा। मतलब चलाने में अच्छा है, बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसा मतलब कंपनी कहती है, बट जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी क्या है, इन्होंने लॉक वॉक बहुत अच्छे दे दिए, ये देखो ये लॉक है बहुत बढ़िया है, और पीछे से क्या है, शोकर जो है ना चेंज कर दिए, जो पहले के शोकर आते ना शुरू में जो सिग्ना में देते थे 49-23 घोड़े के अंदर, सेम शोकर दिए देख रहे हो, और उसमें ये सिस्टम के शोकर नहीं है, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क कर दिया अभी इन्होंने। कैसे, ये देखो इसके अंदर पटा है, ये जो दिया हुआ ना शोकर दे दिया, कमानी दे दी, शोकर दे दिया, ठीक है, और कैबिन भी नीचे थोड़ा डाउन है, यहाँ से भी थोड़ा डाउन है, देख रहे हो, ठीक है। ये 5525, और इसी के सामने तुम्हें दिखाते हैं 5530 फेस टू, ये फेस वन है और ये फेस टू है। इसके अंदर क्या कर दिया, शोकर बड़बड़ा कर दिया और छोटा शोकर लगा दिया, कमानी हटा दी इसमें से, जो सबसे बढ़िया काम किया, कमानी हटा दी, इसकी वजह से क्या है, पटकना कम हो गया गाड़ी का। उसमें गाड़ी इतनी पटकती है ना पूरी, मतलब ड्राइवर को उछाल उछाल के फेंकती है पूरा, मतलब दबा के तंग करती है, और इसके अंदर वो सिस्टम ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये 49-23 में भी गाड़ी नहीं पटकती थी इतनी, और इसमें तो बहुत कम पटकेगी, क्योंकि कमानी हटा दी, शोकरों पीछे वाला हिस्सा पूरा शोकर पे कर दिया, इसे रखा है बैलेंस के लिए और इसे रखा है जंपिंग के लिए, और अंदर से जो सीट है ना उसकी सीट स्प्रिंग वाली है, स्प्रिंग वाली, मतलब बैठते हैं तो स्प्रिंग होती है ना, ये स्प्रिंग वाली नहीं है, देख रहे हो, ये प्रेशर वाली सीट है इसमें। मस्त, क्या क्या दे दिया, चेंज कर दिया कैबिन के अंदर, टेप दे दी अपने को, देख रहे हो टेप दी हुई है, स्पीकर दिए हुए, ऊपर में आया ड्रॉवर कर दिए भाई, मस्त सामान रखने के लिए ड्रॉवर कर दिए, दो स्पीकर दे दिए और ड्रॉवर दे दिए, लाइट वाइट वाइट लाइट कर दी, दो लाइटें कर दी, जो पहले इधर मेन लाइट आती थी ना बीच में यहाँ पे, वो लाइट क्या चलती नहीं थी, बंद हो जाती थी बहुत जल्दी, और ये क्या है, ये बंद नहीं होती भाई, मस्त है। और कैबिन में एसी, यूएसबी वायर, बाकी सब कुछ, इंजन कंट्रोलिंग सब, मतलब पूरे सामान दिया है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। स्टेयरिंग तो भाई पहले से ही चेंज है, इसका मतलब एक वीडियो बनाना पड़ेगा गाड़ी का, मस्त रिव्यू वाला एक वीडियो बनाते हैं, है नहीं, मस्त एक रिव्यू वाला वीडियो बनाते हैं इसका भी भाई, मतलब दिखाते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर है, मतलब क्या क्या उस गाड़ी के कंपैरिजन में इसके अंदर क्या क्या नया सामान दे दिया इन्होंने, क्या क्या अच्छी चीजें दे दी, है नहीं। मेरे को कमेंट करना
कि भाई इस जो गाड़ी का अगर रिव्यू बनाना है, मतलब मेरे को कमेंट करना कि हाँ भाई 5530 का एक वीडियो बनाओ रिव्यू कि भाई क्या क्या फीचर है, तो जरूर बनाएंगे। अपने ऑफिस का काम खत्म करके मैं पहुंचा हूँ रनौली, रनौली भी नहीं अभी मैं सीधा जा रहा हूँ महिंद्रा में। महिंद्रा में मनसुख भाई ने ना काफी टाइम से मेरे को फोन कर रखा था, सुबह मतलब 1.5-2 घंटा पहले ही फोन किया था, क्योंकि वो गाड़ी का अपनी का महिंद्रा का काम हो गया जिसकी हम लोग वायरिंग चेंज करवा रहे थे। तो बोला भाई एक बार आके गाड़ी देख ले, सब कुछ चेंज हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या करना है, गाड़ी निकाल देनी है। उस गाड़ी को क्या है, यहाँ से निकाल के सीधा भेजना है लोडिंग में, वो लोडिंग करके आएगा अहमदाबाद की, जब अहमदाबाद की लोडिंग करके आएगा ना तो फिर यहाँ से मैं और मनसुख भाई दोनों साथ में जाएंगे। तो अभी मैं आया हूँ वो गाड़ी को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बंदे भी बुलाए ना स्पेशल अपनी गाड़ी के लिए ही बुलाए थे कि भाई वो गाड़ी का काम कंप्लीट हो जाए। और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर मनसुख भाई यार ने इतना खर्चा कर दिया ना, महिंद्रा ने इतना खर्चा कर दिया बहुत ज्यादा, और वो गाड़ी अपनी चली नहीं। आप लोगों ने मेरी वीडियो मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, वो गाड़ी को खड़ी हुई को आज 4 से 5 महीना हो गया, 3 महीना 4 महीने से वो गाड़ी खड़ी है। अभी इतने महीने कोई मालिक 3-4 लाख गाड़ी के ऊपर खर्चा कर देता है और वो गाड़ी 4-4 महीने कोई ड्राइवर चढ़ता नहीं है, चढ़ने के बाद वो गाड़ी 70-70 लीटर डीजल एक्स्ट्रा खाती है, तो बताओ अभी ड्राइवर को नहीं बचेगा तो ड्राइवर तो चलाएगा नहीं, सीधी सी बात है, ड्राइवर को नहीं बचेगा ड्राइवर नहीं चलाएगा, और मालिक को नहीं बचेगा तो मालिक क्यों चलाएगा गाड़ी, तो वही सब रीजन है। तो अभी मैं महिंद्रा कंपनी पहुंच गया हूँ, मनसुख भाई की कार खड़ी है, गाड़ी कहाँ खड़ी है, गाड़ी खड़ी वो खड़ी अपनी गाड़ी, अभी मनसुख भाई को फोन कर लेते, कार तो उनकी खड़ी है, ये खड़ी अपनी गाड़ी जिसका मैं जिस गाड़ी ने हमें तंग कर रखा है एवरेज में इसने भी तंग कर रखा है, और एक गाड़ी और है अपने पास उसने भी तंग कर रखा है, दोनों गाड़ियों ने अपनियों ने तंग कर रखा है भाई। पहले करते हैं मनसुख भाई को फोन। मनसुख भाई ऐसा नहीं है यार कि मनसुख भाई हर काम अच्छा नहीं करते, काम अच्छा ही करते हैं, पर जब गाड़ी नहीं सुधरेगी तो हम लोग क्या करें बेचारे, बताइए। खर्चा करना हमारा ट्रांसपोर्टर का काम है, हमारा काम है काम करवाना, गाड़ी पे खर्चा कर देना पैसा लगाना, पर गाड़ी मनसुख भाई गाड़ी मैं आया था गाड़ी के पास, तो गाड़ी कंप्लीट हो गई है, गाड़ी तो बेच दिया था, ट्राई किया था मैंने काका के साथ, तो नहीं ट्राई तो आपने कर लिया ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको भेज दूं लोडिंग के लिए? दादा को समझाया कैसे चलाना है क्या करना है सब थोड़ा मेरे हिसाब से। ओके आपने अपने हिसाब से, कोई भी लगता है तो आपसे बात हुई थी इस हिसाब से इधर से भर के आएगी। हाँ गाड़ी इधर ही आएगी भर के, ये बात साफ शब्दों में, ऐसा डाउट है कुछ भी आपको तो एक बार लोड गाड़ी खड़ा कर देना, ओके इस बार कंप्लीट कर दे, क्योंकि अभी मोड पे सब चेंज हो रहा है कंप्लीट। हाँ तो उसमें क्या है ना, गाड़ी उधर से लोड करके आएगी, गाड़ी यहीं आके खड़ी होगी और यहाँ से साथ में जाना ही है, मैंने वो बात गाड़ी इधर की आएगी लोड होके और कहीं की लोड नहीं होगी ये गाड़ी, अब आज निकलेगी कल लोड होके फिर ये गाड़ी अपनी आएगी। मैंने बिल्कुल बराबर अपने को गाड़ी क्या है कंफर्मेशन, देखो गाड़ी अपनी एकदम सही हो जानी चाहिए बस, अपने को खर्चा तो हमने कर लिया बाकी गाड़ी सही हो जानी चाहिए बस। ओके मैं बोला देखो भाई एक बार चला के, बाकी अभी कोई फिलहाल दिक्कत नहीं लगा था ठीक है, मैं बोला लोड गाड़ी बता के जाना। नहीं लोड गाड़ी बता के ही जाएगी, लोड गाड़ी बिना बताए नहीं जाएगी, भले यहाँ से डब्बा बांध के अहमदाबाद तक जहाँ खाली होती है वहां तक पूरा एवरेज क्यों ना निकालना पड़े, कार ले जाएंगे हम साथ में, बट इस गाड़ी की तसल्ली अपने को पूरी चाहिए क्योंकि खर्चा इतना करने के बाद खत्म हो जाएगा, परेशानी लेनी है आपको और मेरे को दोनों को। हाँ बस ठीक है ठीक है बराबर सोचा है आपने ठीक। चलो भाई ये बात तो हो गई अपनी मनसुख भाई से, चाबी ले ले मैं, पाऊ हमारा देख रहे हो आराम कर रहे हैं, पाऊ चलो गल होगी ना ना गड्डी काट लियो थोड़ी देर बाद, गुरजीत नू फोन ला लियो, उस तो ले लियो डीजल, उस तो पूछ लियो कित्थे जाना वा, ठीक है डीजल लेके तो उस तो पूछ लियो कित्थे जाना है, तो इत्थे उदों ही गड्डी कढ़ियो, गड्डी उत्थे खड़ी कर लो सीधी, वो तुहानू ऑर्डर दूगा
गड्डी का ऑर्डर लैके निकल जाओ भरन सीधे वो जिधर की भराऊगा उधर खाली करके फिर गड्डी भरवाऊगा बड़ौदे की जो गड्डी बड़ौदे की भरूगी तो गड्डी खाली करन नहीं जाना सीधी गड्डी ला के इत्थे खड़ी करनी कंपनी इतों अहमदाबाद जिथे खाली की उत्थे ये लोग जाणगे नाल अपनी गड्डी दे नाल जाणगे डब्बा बन के एवरेज उतों तक पूरी गड्डी का 100 किलोमीटर एवरेज कढ़णगे की खांदी आ की नहीं खांदी फिर जो एवरेज निकलूगा उस हिसाब ना गड्डी चलूगी बस ठीक आ हुण कंप्लीट आ ना पूरी तुही करना वा फोन करियो उहनू 3 बजे 2 बजे तो बाद करियो फोन अजे गुरद्वारे होना वा हाँ तो फोन कर लियो उहनू ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਅਡਾਨੀਓ ਭਰਦੀ ਹਜੀਰਿਓ ਭਰਦੀ ਆ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਰਦੀ ਆ ਦੇਜੋਂ ਭਰਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕਰਜਨ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅਮੋਦ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਅਭੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗਾੜੀ ਕਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਅਭੀ ਮਨਸੂਖ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਥਾ ਕਰ ਦਿਆ ਇਹਨੇ ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਗਾੜੀ ਇੱਧਰ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ ਡੱਬਾ ਬਾਂਧ ਕੇ जब इसका एवरेज निकल जाएगा फिर उसी एवरेज के आधार पे जो काम होगा तो आगे होगा अगर गाड़ी अपनी सही हो जाती है फिर उसी डीजल पे अपनी ये गाड़ी चलेगी फिक्स तो अभी हम भी चलते हैं फ़ोन आ रहा है यार सुबह से बताओ 2 बज गए टाइम हो गया 2 बज गए संडे के दिन भी हमें 2-3 बजी जाते हैं ऑफिस पे महिंद्रा में से अपना काम गाड़ी का ख़त्म हो चुका है उसका वायरिंग वूरिंग सब फिट हो गया पूरी कंप्लीट हो गई बातचीत भी हो गई है अभी ड्राइवर ने गुरजीत भाई को फ़ोन भी कर लिया है अभी उधर से ऑर्डर लेगा ऑर्डर लेके अपना जहां का भी ऑर्डर होगा वहां वो जाएगा लोडिंग करने खाली जो गाड़ी लोड होकर आएगी वो आएगी सिर्फ बड़ौदा की क्योंकि उस गाड़ी का अपने को लोड गाड़ी का एवरेज एक बार अपने को निकालना पड़ेगा क्योंकि जब तक लोड गाड़ी चलाकर नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि गाड़ी वो सही होगी कि नहीं सही होगी अभी जो प्रॉब्लम सामने लगी वो प्रॉब्लम तो आप लोगों ने अभी सॉल्व कर दी मेन बात क्या थी अभी उस गाड़ी के अंदर कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही थी अभी उस गाड़ी के अंदर हमने क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट भी चेंज कर दी थी अपना हेड का काम हुआ था गैस्केट उस गाड़ी के अंदर डाले थे नए फिर उस गाड़ी के अंदर जो काम हुआ अपना केम शाफ्ट डाली नई इंजन का काम हुआ पंप इंजेक्टर सारा काम हुआ फिल्टर ऑयल चेंज मतलब कुछ छोड़ा नहीं उस गाड़ी का सब कुछ हो गया इतना कुछ होने के बाद भी वो उस गाड़ी ने एवरेज नहीं दिया अभी गाड़ी ड्राइवर लोड करके आया बोल रहे टॉप गियर ही नहीं पकड़ रही थी अभी जो मेन प्रॉब्लम मनसुख भाई को हर बार ये लोग क्या है हर बार हमें कहते थे कि भाई इसका जो क्लस्टर मीटर है वो गलत है वायरिंग गलत है अपने को क्लस्टर मीटर वायरिंग दोनों चीजें चेंज करनी पड़ेंगी और उसको चेंज करे बिना हम मतलब ये गाड़ी सही नहीं होगी ये मतलब अपने को हर बार ही ये लोग इस बात को कहते थे तो इस बार हमने भाई वो भी चेंज करवा दिया दोनों चीजें ही हो गई चेंज भी हो गई अभी जो पुरानी वायरिंग थी वो मनसुख भाई ने संभाल के रख ली अब गाड़ी जाएगी लोडिंग होगी लोड होके गाड़ी मनसुख भाई के पास आएगी मनसुख भाई इस गाड़ी में बांधेंगे डब्बा खुद बैठेंगे गाड़ी में मैं भी उनके साथ रहूंगा और गाड़ी लेके जाएंगे सीधा हम अहमदाबाद तक गाड़ी जाएगी और एवरेज निकालेंगे पूरा गाड़ी का अहमदाबाद तक लेके पूरा एवरेज मतलब कितना डीजल खाती है क्या एवरेज आता है और किस प्रकार से वो गाड़ी मतलब सही होती है कि नहीं होती फिर मतलब उसका डिसीजन आएगा अगर सही हो जाएगी गाड़ी तो बहुत अच्छा भाई इतना खर्चा कर दिया गाड़ी में इतना पैसा लगा दिया गाड़ी में तो गाड़ी अब तो सही हो जानी चाहिए भाई खर्चे है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अभी मतलब गाड़ी का काम तो करवा नहीं रहे एवरेज क्या दे अभी भाई जहां पे हमने इतना खर्चा कर दिया वहां पे तो गाड़ी एवरेज दे ना अब हमारी गाड़ी सुधरनी चाहिए भाई सच्ची बात बताऊं इतना खर्चा करने के बाद गाड़ी सुधर जानी चाहिए मन बहुत दुखी होता है जब गाड़ी फिर भी डीजल ज्यादा खाती है ना मन बहुत दुखी होता है पर फिलहाल उस गाड़ी को कहीं का भी हम लोग लोड नहीं करेंगे कहीं का भी नहीं करेंगे लोड बड़ौदा का ही लोड करेंगे और बड़ौदा में बुला के उसका एवरेज निकाल के फिर उस गाड़ी को भेजेंगे जहां भी भेजेंगे और भाई अगर नारियल तोड़ूंगा मैं अगर वो गाड़ी सुधर जाए तो नारियल